कब मनाई जाएगी बसंत पंचमी? माँ सरस्वती की पूजा के लिए क्या है शुभ मुहूर्त? जाने क्या है बसंत पंचमी का महत्व? पंचांग के मुताबिक हर साल बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा का पर्व माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के पर्व पर माँ सरस्वती का अवतरण हुआ है, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी को मनाया जाएगा। दरअसल माघ शुक्ल पंचमी तिथि 25 जनवरी शाम से शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के मुताबिक बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। धार्मिक दृष्टिकोण से ये पर्व छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। बसंत पंचमी को बहुत सी जगह पर श्री पंचमी और बहुत सी जगहों पर सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी, साहित्य और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा कभी विफल नहीं होती है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ सरस्वती की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और एकाग्रता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। विद्या शुरू करना हो या फिर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए इस दिन को बेहद उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं माँ सरस्वती की पूजा के लिए क्या है शुभ मुहूर्त। माघ माह की तिथि यानी कि बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 25 जनवरी दोपहर 12:34 पर होगा और इसका समापन 26 जनवरी सुबह 10:28 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कैसे करनी है बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना। पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ कपड़े जरूर पहन लें। माँ सरस्वती की पूजा के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अबरोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। छात्र चाहें तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन से सर्दियां खत्म हो जाती हैं। संगीत और ज्ञान की देवी की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि भी तेज होती है। इस दिन किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी से ही बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत भी करवाई जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।